जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग तुलसीदास की रचना कवितावली पढ़ रहे हैं और कवितावली के लगभग 15 छंदों से हम लोग होकर गुजर चुके हैं और आज हम लोग लगभग 5 छंद और हम लोग करेंगे और एक एक पंक्तियों से होकर गुजरेंगे। इसके उपरांत जब भी अगली कक्षा हमारी होगी दशहरे के बाद, उसमें हम लोग रीतिकाल शुरू करेंगे और साथ साथ कवितावली के जो महत्वपूर्ण छंद हैं उन्हीं छंदों को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कवितावली। मिताली को गुड इवनिंग, सबको शुभ संध्या। ये सब कौन सा छंद है? कवित्त है, याद रखना, ये सब कवित्त है। और एक चीज और याद रखो, मैं आप लोगों को पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को भी हो जाए। देखो ये जो है, यहां से ये है सवैया, कौन छंद है? सवैया छंद है, याद रखना, ये सब सवैया छंद है। कहां तक? ये भी है, ये सब सब सवैया है, देख रहे हो, चार चार पंक्तियां हैं, चार चार पंक्तियां, ये सब सवैया है। मैं बतलाऊंगा छंद पर एक विशेष चर्चा करेंगे, दो तीन चार क्लासेस होंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे कि छंद क्या है। अभी खाली जान लो कि ये सवैया छंद है, ठीक है। अगला देखो, ये सब सब सवैया छंद है, यहां से कवित्त शुरू हो जाता है, ये कवित्त है, ठीक है, ये कवित्त है, ये सब सब कवित्त चलेगा। अभी हम लोगों का आज भी जो चल रहा है वो सब कवित्त चल रहा है। ठीक है, यहां हम लोग आगे हम लोग कह रहे हैं, कीबे को भी शोक लोक लोकपाल होते सब कहूं को भोना चर वाहो कपी भालू को। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, कीबे को भी शोक लोक लोकपाल होते सब कहूं को भोना चर वाहो कपी भालू को, और पवि को पहाड़ू की ओ ख्याल ही कृपाल राम बापुरो विभीषण घरौंदा हो तो बालू को। नाम ओट लेते ही नी खोट होत खोटे खल चोट बिनु मोट पाई भयो न निहालो को, और तुलसी की बार बड़ी ढील होती सील सिंधु बिगरी सुधारी बे को दूसरो दयालु को। ठीक है, ये है छंद संख्या 17 और यह भाई कवित्त है। अब देखो क्या कह रहा है, कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि कीबे कीबे को, यानी करने, कीबे को का मतलब करने के लिए, कीबे को मतलब करने के लिए, कीबे को करने के लिए, क्या करने के लिए भाई? तो विशोक लोक, विशोक लोक, लोक को शोक मुक्त करने के लिए, शोक मुक्त करने के लिए, तो यहां है ही करने का, यहां शब्द है ही, तो लोक को, लोक को शोक मुक्त करने के लिए आगे क्या है, लोकपाल हुते सब, हुते का मतलब हे, सब का मतलब सब, आलोक का पाल का मतलब लोकपाल, यानी विभिन्न लोक जो हैं, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है, आदि आदि लोक हैं, तो उन लोकों को शोक मुक्त करने के लिए बहुत सारे सभी सभी लोकपाल थे। ठीक है, उन शोक को, उन लोक के, विभिन्न लोकों को, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तो इन लोकों को शोक मुक्त करने के लिए सब लोकपाल थे। पहली पंक्ति समझ में आ रही है, लोक को शोक मुक्त करने के लिए लोकपाल सभी क्या थे, उपस्थित थे। देखो फिर से समझो, लोक को शोक मुक्त करने के लिए, ठीक है, सभी लोकपाल थे, ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरा, कहूं को
भो ना चरवाहो कपि भालू। बंदर और भालू को, बंदर और भालू के चरवाहा कहूं को भोना, कहूं को भोना कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। किसका चरवाहा? कपि और भालू का। चरवाहा कहने का मतलब क्या है? बंदरों और भालू का चरवाहा अर्थात पथ प्रदर्शक, मार्ग को प्रशस्त करने वाला कोई भी नहीं था। ओ भो भो मने हुआ या था न, ओ भो न यानी कोई भी नहीं था। क्या चरवाहा किसका? कपि और भालू का। क्या अभिप्राय हो कि लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोकपाल थे, लेकिन कोई ऐसा लोकपाल नहीं हुआ जिसने बंदरों और भालुओं का भी मार्ग प्रशस्त किया हो, बंदरों और भालुओं के भी उद्धार के लिए उनका साथ दिया हो। ऐसा कोई दयालु, ऐसा कोई कृपालु नहीं। चाहे इंद्र की बात कर ले, चाहे अन्य राजाओं लोकपालों की बात की। तो कहने का मतलब कि लोक के, लोक को शोक मुक्त करने के लिए सभी लोकपाल तो थे, लेकिन उनमें से कोई भी कपि यानी बंदर और भालुओं का पथ प्रदर्शक नहीं हुआ। ठीक है, ये पहली दो पंक्ति का अर्थ। दूसरी पंक्ति के पास आओ। पवि को पहाड़ू कियो ख्याल ही कृपाल राम, बापुरो विभीषण घरौंदा होते बालू। विभीषण क्या था? विभीषण था बालू का घरौंदा। विभीषण क्या थे? बालू का घरौंदा। बालू का घरौंदा कितना, बालू के घरौंदे की कोई कुछ महत्व हो सकता है क्या? बालू का घरौंदा तो बिल्कुल टिकाऊ नहीं होता। ऐसे विभीषण के जैसे बालू के घरौंदे को राम जी ने ख्याल में ही यानी पल भर के संकल्प मात्र से ही क्या किया? पवि पहाड़ू। पवि का मतलब होता है वज्र, पहाड़ का मतलब पहाड़। यानी ऐसे बालू, विभीषण जैसे बालू के घरौंदे को भी राम जी ने, कृपालु राम जी ने ख्याल मात्र से ही, संकल्प मात्र से ही वज्र का पहाड़ बना दिया, वज्र का पहाड़ बना दिया। यानी ऐसे कपटी पापी विभीषण को भी उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने राज्य दे दिया, उनका उद्धार कर लिया, उनको अपना लिया, ऐसे कृपालु राम। तो पवि को पहाड़ कियो वज्र का पहाड़ किया, ख्याल ही संकल्प मात्र से ही, थोड़ा सा ख्याल करके ही कृपालु राम, वह कृपालु राम। बापुरो विभीषण घरौंदा होते बालू को, बापुरो विभीषण कियो, बापुरो विभीषण घरौंदा होते बालू को। तो बेचारा, बापुरो का मतलब बेचारा, बेचारा विभीषण, बेचारा विभीषण को, बेचारे विभीषण को जो बालू के घरौंदे जैसा था, उसको भी भगवान ने वज्र का पहाड़ बना दिया। ठीक है, ऐसे थे कृपालु राम। और ऐसे कृपालु राम ने कैसे किया? पल भर में, ख्याल है, संकल्प मात्र से। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का अर्थ कि विभीषण जो बालू के घरौंदे के समान था, उसको कृपालु राम जी ने वज्र का पहाड़ बना दिया, यानी उसका उद्धार कर दिया, वज्र के पहाड़ जैसा मजबूत बना दिया। पहले तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी, रावण ने उनको लात मार दी थी, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो तो अपने राज्य से भागे हुए थे। लेकिन ऐसे कमजोर व्यक्ति को, जो बालू के घरौंदे के समान था, ऐसे कमजोर व्यक्ति को भी राम जी ने लंका का राजा बनाया, अर्थात वज्र का पहाड़ की तरह, वज्र के पहाड़ की तरह मजबूत बना दिया, ऐसे कृपालु राम है। अगली पंक्ति, नाम ओट लेते हैं निखोट होट
पोटेखल, पोटेखल दुष्ट, दुष्ट पापी का। तो पापी और दुष्ट जो हैं, ठीक है, वो नाम ओट लेते हैं, यानी नाम का आश्रय लेते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, नाम ओट लेते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, निखोट हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, दोष मुक्त हो जाना या निष्पाप हो जाना, ठीक है। तो नाम के ओट लेते ही, नाम का आश्रय लेते ही पापी दुष्ट भी निष्पाप हो जाता है, ठीक है। नाम का आश्रय लेते हैं पापी दुष्ट निखोट अर्थात निष्पाप हो जाता है, अर्थात दोष मुक्त हो जाता है। किनके नाम लेने से? भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेने से, यानी उनके नाम का स्मरण करने से। और क्या है? चोट बीनु मोट पाई भयो ना निहालू। और ऐसा कौन है जो बिना परिश्रम के, चोट बीनु बिना परिश्रम के मोट पाई, मोट पाई मोट का मतलब, मोट का मतलब होता है गठरी। तो बिना परिश्रम किए मोटी गठरी जिनको मिल जाए, ऐसा कौन नहीं हुआ है उससे निहाल, यानी बिना परिश्रम किए मोट का मतलब गठरी पाई पाकर भयो हुआ न निहाल, ठीक है। तो बिना मेहनत के बिना परिश्रम के धन रूपी या पुण्य रूपी गठरी, क्या चीज की गठरी है? या तो धन की गठरी है या पुण्य की गठरी है। तो बिना परिश्रम के पुण्य की गठरी पाकर भयो न निहालू को कौन निहाल न हुआ हो? बिना परिश्रम के पुण्य रूपी गठरी पाकर कौन निहाल न हुआ हो? न भयो का मतलब न हुआ हो। तो यानी इनके नाम का आश्रय लेकर दुष्ट पापी भी दोष मुक्त हो जाते हैं और बिना परिश्रम के ही पुण्य की गठरी पाकर निहाल हो जाते हैं। ये इसकी दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का अर्थ। चौथी पंक्ति देखिए। तुलसी की बार बड़ी ढील होते सील सिंधु, बिगड़ी सुधारी के बिगड़ी सुधारी बेको दूसरो दयालु को, ठीक है, कह रहे हैं कि तुलसी की बार यानी तुलसी की बारी तुलसी की जब बारी आती है, हे कृपालु सिंधु, हे सील सिंधु, हे सील के सागर, मैंने कहा था सील किसको कहते हैं? नैतिक आचरण। तो जो नैतिक आचरण के सागर हो ऐसे सील सिंधु क्या कहते हैं? तुलसी की बार, तुलसी की जब बारी आती है तो हे सील के सागर, बड़ी ढील होती है, बड़ी देर होती है, ढील का मतलब देर होना। तो तुलसी की बारी में हे शील के सागर, हे शील सिंधु, बहुत देर होती है, बहुत देर हो रही है, यानी तुलसी का कल्याण नहीं हो पा रहा है। आपने इन लोगों खोटे खोटे लोगों को तो आपने कल्याण आपने कर दिया, लेकिन तुलसी की जब बारी आई, तुलसी की बार अब बड़ी ढील हो तो बहुत देर होती है या बड़ी देर हो रही है, हे शील के सागर, तुलसी के समय में हे शील के सागर, हे शील सिंधु, बहुत देर हो रही है। बिगड़ी सुधारी बेको यानी बिगड़ी सुधारने के लिए को कौन दूसरे दयालु को, आप जैसे दयालु को छोड़कर हमारी बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है भला? बिगड़ी सुधारी बेको, बिगड़ी सुधारने हेतु, बिगड़ी सुधारने के लिए दूसरा दयालु आपके सिवा कौन है? को
कौन है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये 17वां छंद भी समाप्त होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि कहीं कोई दिक्कत है तो मैं फिर से बताऊंगा।